एक दिन बादशाह अकबर घोड़ी पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों ही यह जानते थे, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उसने उसे हरा रंग का घोड़ा लाने को कहा। बीरबल हरे रंग के घोड़े को खोजने के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे आप दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरे रंग का घोड़ा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी ही मुश्किल से खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, शर्तें? वो शर्तें क्या हैं? तब बीरबल बोले, महाराज, पहली शर्त तो यह है कि उस खास घोड़े को लेने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। तब अकबर बोले, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, उस खास घोड़े को लेने मैं खुद चला जाऊंगा, मगर उसकी दूसरी शर्त क्या है? तब बीरबल बोले, घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना है तो उसकी शर्त भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वो बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। अकबर बीरबल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम किसी को भी अपनी बात समझा सकते हैं, बस हमारा बात करने का और समझाने का तरीका सही होना चाहिए।